अखिन यू कहे है पूर्व जन्म में सूर्य वर्चा नाम का यक्ष था। और जब कृष्ण भगवान ने उत्तरदायित्व तो विष्णु भगवान ने लगा उत्तरदायित्व तो लिया था पापियों के संहार करने का और कृष्ण रूप में जन्म लिया था, उड़े यो ब्रह्मा जी आग जा के अंगड़ाई सूर्य वर्चा इस यक्ष ने तोड़ी है। बोलिया वाह इन शिशुपाल कंसर खातिर विष्णु जी जागा इन न तो बोलिया मैं इन्हीं बांसी दूंगा मैं जांगा। नहीं बोलिया ब्रह्मा जी ने कहा नहीं बोला डट भाई हमारे हमारा अधिवेशन पंचायत लगाओ हमारी हो चुकी है पंचायती रूप से फैसला हो चुका है विष्णु जी ने उत्तरदायित्व तो लिया है वो जन्म लेंगे। नहीं बोलिया ना मैं जांगा लेख न्यू का सही यक्ष सूर्य वर्चा नाम का था जबरदस्ती आया था अंग ब्रह्मा जी न्यू कही थी जा चलिया जा। पर जब असली घेड़ा बात जगानी पहले तेरा शीश उतरेगा अग फिर काम चल लेगा वो कहानी अड़ा के बेड़ी है। निवल्या भाई निवल्या जी मैं दान तो कर दूंगा निवल्या फिर माजी का शराब को याद करे दोनों की बात हुई। निवल्या बात भी मैं समझ गया पर न्यू कहे जिसकी आत्मा पर बाहर जाता तो उसकी आत्मा भटकती है। निवल्या सही बात है निवल्या जी मैं शीश का दान करूंगा मैंने वचन किया है पर मेरी आत्मा बाहर जागा मेरी आत्मा भटकेगी। क्यों भटकेगी मैंने जीवन में कभी युद्ध नहीं देखा और मैं युद्ध देखना आधा इसमें भाग लेना था मनु का श्रद्धान करके चलिया जाऊंगा युद्ध देखे बगैर मेरी अभिलाषा मेरे साथ जाएगी आत्मा भटकेगी। कृष्ण जी ने कहा नहीं बोला भाई सुने तू शीश का दान करे मेरा वचन है मैं कटे हुए शर से भी इतना सारा युद्ध दिखा दूंगा। बोल कृष्ण भगवान की न्यू कहे स हर्ष बर्बरी की अपना शीश उतार के दान कर दिया। बोल शीश के दानी की कहीं लेख में लिखा कि वो चट्टान पर रखवागा कहीं लेख में लिखा कि वो उस पीपल के पेड़ पर बात ये है वो ऐसे एंगल पे वो शीश रखवा गया। 48 कोस की परिधि में महाभारत का युद्ध हुआ है 48 कोस की परिधि में हुआ था कि यहाँ से वो साफ एंगल स्पष्ट दिखता है कि बर्बरीक कटे हुए शीश से वहीं रखवा के निवला यहाँ से युद्ध के मैदान का हर कोना दिखता है स्पष्ट रूप से सारा मैदान दिखता है तुम युद्ध को देखना। 18 दिन में 18 क्षोणी दल खपिया सजनो कौरवों की हार हुई पांडवों की जीत हुई पर न्यू को आरम बने तुरत के साहूकार ने सब तगणिया घाई लग गए बने तुरत के साहूकार ने सब तगणी अंघाई लग गए। अब जैसे ही कौरव हार गिर पांडव जीत गए पांचों पांडव कितने की तो पांध रहे कृष्ण भगवान रणभूमि की तरफ लखाओ भाई कहाँ धर्म की पालना हुई कहाँ धर्म को छोड़ दिया गया कहाँ धर्म की रक्षा करी गई विचार में रहे अर्जुन तो फिर अर्जुन ने देखा भाई साटा बांध दिया है युद्ध का जिसका बाण मार दिया था ओए लौट गया सर जता दिए सो के शान मान हो गए अर्जुन तो भीम बोलिया जाने भदू तना जता मन जता है तना क्यों कर जता है बोले तेरे वाले बाण तो कोई उल्टे भी काट दे था और मन जिसका मारी है गदा उड़े नाड़ी टूट की उठाए नहीं था कोई अर्जुन तक को अपनी ज्योतिष की शेखी मारा रमन नगर नक्षत्र बताए जब जीते था बात या से साहब बैम हो गया मैं तगड़ा मन जताया धर्मपुत्र ने बोला जीत तक गए तुम भेड़ भेड़ मरोगे तुम कृष्ण जी दौरा चलो बता देगा कौन सा तगड़ा है कृष्ण जी दौरा आ गया नहीं बोला बता दे नहीं माँ कौन सिंह जताए कौन सा तगड़ा है कृष्ण जी भी आसन ला गया नहीं बोला मैं भी घोड़े आंकूं था बर्रटर हो रही थी बाकी हाँ बर्बरी बता देगा थारे में कौन सा तगड़ा है कौन सिंह जताया है। पांचों पांडव कृष्ण भगवान कटे हुए शीश के सामने उड़ खड़े हो गए कृष्ण जी ने बोले भाई बता दिया ना माँ कौन सा तगड़ा है कौन सिंह युद्ध जताया है वो कटिया हुआ शीश बोलिया है सजनो मैं करूं बात का तोड़ ना था थारा कोरवा का जोड़ अर्जी ने दी सबकी काड मरोड़ खेल श्री कृष्ण का सारा निवला रे सारा काम यो कर गया बावड़ो थारा कड़ नंबर था ने बोला वाह हम हन्ना नेड़ा लंगो टीबान जनी उनता नी उन्हें कदा ठाए रे धनुष बाण ठाए नी बोला भाई मन नहीं बेरा क्यों हंडो दे बाकी मन जो देखा वो बता सकू के देखा है ए रतम सुन तेज आयो आले सुना तू मैं सारा रतम सुन तेज आयो आले सुना ए सारा रतम सुन तेज आयो आले सुना ए सारा रतम सुन तेज आयो आले सुना करती नहीं बोला ओ हो नाड़ी तोड़नी तू सुन ले किसा योद्धा है
पांडवों की तरफ से पहला योद्धा अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र जिसको चक्रव्यूह मगेर का मारा था। निवला जब तुम न खड़िया था और तुम देख लिया छोरे न मारेंगे तुम बचाने भी चाल तेरा जी कर था बचाने का और तुम भी तरना चक्रव्यूह का हेड चाल दो चाल डंग चाल तन्यू देखा तन्न भी घेर का मार देंगे तो उल्टा ही भाज लिया और भाज का कर्ण ने तेरी गुद्दी पकड़ कर लाशों के ढेर में बांट दिया तेरा दम टूटने को हुआ जब तेरे को जीवन दान दे दिया जा सका जा मेरा तो एक गल रोला था चार चुन रहेगा जब मरूंगा थारी गल मेरा कोई रोला नहीं और जीवन दान दे दिया तन के बोला बताई किसे तो यह बात निभला पर मैं तो देखूं था सुन तू कैसा योद्धा है पहली गिन कैसे बल्लवान बहुत से मिलते देखे रेता में सबसे पहले चक्रव्यूह में अर्जुन का मर्या था लाल पीठ दिखा के भीम बाज लिया शमी दिखा उसने काल बाज के करण ने पकड़ा दिया प्रचंडा का बंदर डाल बाज के करण ने अर्जुन भी बीच अर्जुन भी बीच चलित हो गया पाण करण ने मारिया रे तुम सुनते दइयो हाल सुना फिर दृष्टि फेरी अर्जुन की तरफ निवला धनुर्धर तू भी सुन ले बात के सुनो याद कर वो वाक्या जब तेरा और कर्ण का आमना सामना हुआ और तन बाण चलाया कर्ण का रथ गया 30-35 हाथ पीछे अब दूर गया खंड गया सब जम फिर उसमा का कर्ण दोबारा अपने रथ पर चढ़िया और उसने फिर तेरे श्यामी आके फिर तेरा उसका आमना सामना हुआ फिर बाण छोड़ा कर्ण ने कर्ण ने तेरे रथ पर बाण छोड़ा तेरा रथ गया 3 हाथ पाछे तेरे बाण ने उसका रथ करया 30-35 हाथ पीछे और उसके बाण ने तेरा रथ कर दिया 3 हाथ पीछे और कृष्ण जी तेरे पंजारे बैठे था उन्होंने हाथ जोड़ के न्यू कह दी रे धन्य है वो जननी जिसने ऐसे सूर वीर योद्धा को जन्म दिया और तेरा बोला तेल के से छींटे लागे तेन बोला वाह मेरे एक बाण ने 30 हाथ धगा रखा पाछे ने ओ कुछ है नहीं इसने बोला 3 हाथ पाछे ने कर दिया तो योद्धा हो गया। निवला सुन कृष्ण जी ने क्यों कही कृष्ण जी ने हंसके टाल दी बात जब तो परी भी सुन ले मैं बता दूंगा मन आप इन दृष्टि से प्रत्यक्ष देखा है तेरी दौजा पर खुद बजरंग बली हनुमान बैठे हैं तेरे पहिया रथ के शेष नाग ने जकड़ रखे हैं और खुद कृष्ण जी तेरा पंजारा 3-3 शक्ति तेरे रथ पे हैं फिर भी 3 हाथ पात से धक्का दिया जाए 3 शक्ति ना हो तो कड़ पाओ तू अंदाजा ला ले इसलिए अन्यों का धारा धन्य हो जन्नी जिसने ऐसे सूरवीर को जन्म दिया। सुन मेरी बात क्या कह दिया लड़ाई का विषम मारण खातिर तुमने सारा लिया लुगाई का थारे बस का काम नहीं था खेलियो कन्हाई का थारे बस का काम
बनाई का। ऐसा खेलिया खेलारी में कोई नहीं समझ पाया, तब जापे अनुमान शेष नाग ने बेड़ा लाया। बन गढ़वाला आप हरी में अर्जुन को रहा दिखलाया, बन गढ़वाला हरी ने अर्जुन को रहा दिखलाया। अरे गीता ज्ञान हो, गीता ज्ञान सुना गिर धारी ने मोह से तुरत उबारा रे, तुम सुन के लियो हाल सुना रे, सारा रे तुम सुन के लियो हाल सुना क्यों सारा। थारे कारनामे के गिना के बात निवला, एक भी योद्धा ऐसा बता दो जो तुमने छाती छाती अड़ा कर डरा के मारिया हो। अरे एक योद्धा को तुमने छल से मारिया है, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। अरे गुरु अपने को भी देखो, तुमने अपने गुरु के प्राण दिए तो कैसे लिए। धर्म पुत्र जिसने कहा वो भी खड़ा कर दिया जाके, निवला गुरु जी असो थम्मा मर गया, इसके मुंह तभी गवा दी। सब परिभाषा तुम्हारी झूठी है, क्या कह दिया तीसरी। करण को नहीं युद्ध में हारा था, जयद्रथ को भी घेर लिया जो खास बटे हारा था, जयद्रथ को भी घेर लिया जो खास बटे हारा था। वे भीम ने भी धर्म छोड़ के सांग पे किया था वार, खुद जननी का सत तुड़वाया, दुर्योधन भी दिया पार, श्री कृष्ण ना होते तो यहाँ पांडवों की होती हार, श्री कृष्ण ना होते तो यहाँ पांडवों की होती हार। क्योंकि कौरव दल का क्योंकि कौरव दल का हाल सुना रे, सारा तुम सुनते रहियो हाल सुना क्यों सारा। धोखा दे मारा था, निवला सुनो भाई यो दाओ तुम और बता दूंगा के बात। निवला कौरवों का जो दल था उसमें इतने ताकतवर इतने शक्तिशाली इतने बहादुर योद्धा थे, जय हो कृष्ण जी थारे पक्ष में नहीं हो, सब ले उन्ना हथियार की जरूरत नहीं थी, वे थप्पड़ थप्पड़ा मारते उन्ना हथियार ठाण की जरूरत ना थी, इतना फर्क था धारा उनका। अरे गुरु अपने को झूठ बोलेगा धोखा दे मारा, था दिया मार करण को दे नहीं युद्ध मारिया, अब जयद्रथ को भी घेर लिया जो खास बटे थारा। अरे इस भीम ने भी धर्म छोड़ के जांग पकिया था वार,
दुर्योधन का खुद जन्मी का शत्रु आया दुर्योधन भी दिया मारे। अरे बोला श्री कृष्ण ना होते तड़प पांडवा की होती हार, क्योंकि कौरव दल का बल थारे तो कई गुणा था बारिया। अरे तुम सुनते जाइयो, हाल सुना दू सारा। आखिरी कली में कवि ने संदेश दिया है, बोला माध्यम तो कौरव पांडवों का है, कोई रे न्यू ना जिया करो, न्यू रा करो, न्यू ना रा करो। श्री कृष्ण की लीला न्यारी, युद्ध घमासान किया, सुदर्शन मिल्या सोकर देने, जापर भी मन ध्यान किया, सुदर्शन मिल्या सोकर देने, जापर भी मन ध्यान किया। मेरी बात को मान लियो, त्यागो अपना तुम अभिमान, श्याम लाल वे नहीं हारते जिनके रक्षक खुद भगवान, मेरे कहे तो श्री कृष्ण का सच्चे मन से धर लो ध्यान, मेरे कहे तो श्री कृष्ण का सच्चे मन से धर लो ध्यान, भगवान भगत के भगवान भगत के बस में हो उसका भगत का देना। यार तुम सुन के जाइयो, सारा तुम सुन के जाइयो, हाल सुना सारा तुम सुन के जाइयो, हाल सुना तू सारा।